फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। हाउ टू आंसर प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आए, अब चाहे वो रियल लाइफ सिनेरियो हो या फिर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपसे कोई एक इमेजिनरी प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे उसका सॉल्यूशन पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको आंसर करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस बारे में। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचकर, बातचीत कर ठंडे दिमाग से निकाला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको एक इमेजिनरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी इमेजिनरी प्रॉब्लम आपको दी जाती है। अब यहाँ पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है, उसका मकसद ये नहीं है कि वो आपको आंसर लेस कर दे। उसका मकसद ये भी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है आप उसको वो फटाफट बता दो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसका मिलता जुलता कुछ भी क्वेश्चन आंसर आपको गूगल पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है जहाँ पर कोई आपने प्रॉब्लम क्वेश्चन आप फेस कर रहे हैं, तो मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आंसर पता हो। मकसद ये है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम के टुकड़े टुकड़े करके सोचते हो और किस तरीके से धीरे धीरे पीस बाय पीस आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेनॉन है कि आप अगर मान लो 15-20 मिनट आधे घंटे के इंटरव्यू में अकेले नर्वस होके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू वुड नॉट बी एबल टू गिव द राइट आंसर। बट व्हाट द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू असर्टेन यू ऑन योर थॉट प्रोसेस, कि आप सोचते किस तरीके से हो, कि आप सॉल्यूशन सेंट्रिक आपकी अप्रोच है या नहीं, आपका थॉट प्रोसेस सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि मकसद वही पता करना है, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ऐसा थोड़ा ना करोगे कि आप कमरा बंद करके, हेड डाउन करके उसका सॉल्यूशन सोचोगे। नहीं, आप उसको आराम से, इत्मीनान से सोचोगे, दो चार लोगों से बात करोगे, एक्सपर्ट से बात करोगे। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रॉब्लम अकेले सोचने से सॉल्व नहीं होती है कई बार। लेकिन ये भी आप तभी एफिशिएंटली कर पाओगे जब आपका खुद का थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में है या नहीं है, उस ट्रैक पे है या नहीं है। अगर आपका दिमाग ही डम है, प्रॉब्लम सोच के आप बिल्कुल ही भट पड़ जाते हो, कुछ दिमाग में नहीं आता, तो ऑब्वियसली आप अकेले क्या, चार लोगों के साथ क्या, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। किसी ग्रुप में आप एफिशिएंटली, प्रोडक्टिव, यूजफुल नहीं रहोगे, आपकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी। तो इसीलिए इंटरव्यूज में, क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस दी जाती हैं ताकि आपका थॉट प्रोसेस पता लगाया जा सके जितना भी पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, उस प्रॉब्लम को आप सुनिए और इस वीडियो को सुनने के बाद पॉज कीजिए और फिर उसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए कि गूगल पे उसको क्वेश्चन को लिख के आंसर निकालना तो एक सेकंड का काम है, कोई भी कर ले। यहाँ पे मकसद आंसर पता होने से नहीं है, मकसद यह है कि आप सॉल्यूशन को सोच पा रहे हो या नहीं, उसके करीब जा पा रहे हो या नहीं। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि एक ब्रिज है, रात के वक्त में एक फैमिली, चार लोगों की फैमिली ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रही है। फैमिली में एक बूढ़े माँ बाप हैं और एक बेटा और बेटी है। जो उसमें बुढ़ऊ हैं, जो फादर हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनको ब्रिज को पार करने में 10 मिनट लगते हैं, माता जी को 5 मिनट लगते हैं, जो उस फैमिली में बेटा है उसको 2 मिनट लगते हैं, और जो बेटी है वो सबसे फास्टेस्ट है, उसको 1 मिनट का वक्त लगता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस ब्रिज को पार करने के लिए एक टॉर्च की ज़रूरत है और उस फैमिली के पास एक ही टॉर्च है। बिना टॉर्च के ब्रिज को पार नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ पिच डार्क इन द नाइट, सो यू हैव टू यूज़ द ब्रिज। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो ब्रिज एक वक्त में सिर्फ 2 लोगों का वजन उठा सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा पार नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये है कि वॉट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन विच द एंटायर फैमिली कैन क्रॉस द ब्रिज। सबसे कम समय में, कितने वक्त में पूरी फैमिली
ब्रिज को पार कर लेगी, कितना कम से कम वक्त लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? अब आप पहले इस वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, गूगल मत करना, गूगल में एक सेकंड में मिल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके बारे में सोचा होगा। अब कई लोग हैं जो ये सोचेंगे कि वो फैमिली में दो लोग जाएंगे, फिर टॉर्च वहाँ से फेंकेंगे और दूसरा कैच कर लेगा, ये फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ब्रिज बहुत लंबा है, रात को कहाँ से टॉर्च दिखेगी। कई लोग इनोवेटिव तरीके सोचने की कोशिश करेंगे कि टाइम के हिसाब से कि दो जने चलेंगे, फिर एक जना और आगे चला जाएगा टॉर्च लेके, फिर वो फेंकेगा। लेकिन अब थोड़ा सा पॉज लेके इसको सोचने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या है कि दो लोग एक ही बार में पार कर सकते हैं, चारों आदमियों की स्पीड अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग पर्सन है फैमिली में वो है बाप, 10 मिनट ले रहा है, माता 5 मिनट ले रही है। अगर हमको लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम डिराइव करना है तो कम, मतलब यहां पे सवाल ये है कि कम से कम टाइम को कम से कम करना है। एक तरीका तो ये है, कई लोग ये सोचेंगे कि क्योंकि उसमें जो लड़की है, जो छोटी लड़की है, वो सबसे ज्यादा तेज है, तो पहले लड़की लड़के के साथ जाएगी, फिर लड़की वापस आ जाएगी, फिर लड़की माँ के साथ जाएगी, फिर लड़की वापस आ जाएगी, फिर लड़की बाप के साथ जाएगी, और इस तरीके से वो फैमिली पार कर लेगी और इसमें जो भी उनको वक्त लगेगा वो लगेगा। कई लोग इस आंसर के साथ आएंगे, लेकिन इसमें ये आंसर ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें आपने सोचने की कोशिश नहीं करी कि और भी बेटर क्या हो सकता है। देखिए ये तो ठीक है कि जो भी लड़की, जो भी उसमें सबसे ज्यादा तेज दौड़ता था, आपने उसको दौड़ा दिया और जल्दी से काम करा लिया, इट इज अ गुड अप्रोच। लेकिन अगर आपसे इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन करे कि इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन को जब आप ध्यान से सुनते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि साफ है कि हमको टाइम कम से कम करना है। अब टाइम कम से कम करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि जब माता और पिता जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ये एक साथ सड़क पार, एक साथ ब्रिज पार करें, माता को 5 मिनट, पिता को 10 मिनट, अगर ये लोग अलग अलग करेंगे तो 5 मिनट अलग अलग रहे, 10 मिनट अलग अलग रहे, सबसे ज्यादा टाइम तो यही कंज्यूम हो रहा है। तो इन दोनों को एक साथ कराओ कि 10 मिनट में दोनों कर लेंगे। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि अगर हम इन दोनों को कराएंगे तो इनको वापस आने में भी टाइम लगेगा, राइट। हाउ अबाउट समबडी इज ऑलरेडी ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज हु इज रेडी टू कम बैक विद द टॉर्च, अगर वहां पर पहले से ही कोई हो तो, अगर पहले से कोई हो तो, यानी कि अगर पहले से कोई नहीं है तो पहले से किसी को भेज दो। तो आप बेटा और बेटी को पहले भेज दो, अब बेटा और बेटी ब्रिज के उस तरफ पहले से हैं, माता पिता इधर हैं, अब माता और, अब बेटा और बेटी में से एक जना टॉर्च लेके वापस आ गया, मान लो बेटा आ गया 2 मिनट में वापस आ गया, तो बेटा और बेटी 2 मिनट में उस तरफ गए, बेटा 2 मिनट में आ गया, 2 और 2 4। अब यहां से टॉर्च मिल गई माँ बाप को, माँ बाप ने टॉर्च लेके पार कर लिया, इस वक्त लगे 10 मिनट, यानी कि 4 और 10 14। अब वहां पर उस साइड कौन 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 पहुंच गए, बाप, माँ और बेटी। बेटी फटाफट 1 मिनट में वापस आ गई क्योंकि उसकी स्पीड 1 मिनट है, तो 1 मिनट में वापस आ गई 15। और फिर यहां पर अब इस तरफ है बेटा और बेटी, 2 मिनट की मैक्सिमम स्पीड में दोनों ने पार कर लिया, 15 और 2 17, 17 इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहां पर जो मेन प्रॉब्लम है आपने उसके बारे में सोचा और उसको पार करने के सारे तरीके, सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा, तो आंसर निकल आया। अब ये आंसर पहले से पता होना या गूगल से लगा लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस आंसर को बताने से पहले मैंने जिस तरीके से सोचा, क्या उस तरीके से सोचना मुमकिन है, क्या कि भाई सबसे सबसे कम टाइम तो तभी लगेगा जब हम बाप और माँ को साथ भेजेंगे, बाप और माँ को साथ भेज देंगे तो प्रॉब्लम है, वहां से फिर टॉर्च लेके वापस आएंगे तो फायदा ही क्या, अगर वहां पे पहले से कोई हो तो। ये जो सारी बातें है ना, ये आई एम थिंकिंग आउट लाउडली, तो ये जो थॉट प्रोसेस है यही देखा जाता है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस, अगर आप इस तरीके से सोचने में कामयाब हो रहे हो,
तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। और इंटरव्यू के दौरान अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरव्यूअर का पर्पस आंसर सुनना नहीं, इस थॉट प्रोसेस को सुनना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपको और भी बना बना के देता रहूँ।